गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड किसे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड किसके अंदर है, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। और जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स किसके कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। जैसे ये क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाता है। ये डबल होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाता है उसको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने पता चल गया जब कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। जब अनसैचुरेटेड का मतलब जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। हमने पिछली वीडियो में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनाना सिखाया था, मैचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बताया था कि जैसे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या अपना डुप्लेट कंप्लीट करना बताया था सेम सेम एलिमेंट में। तो उसके बाद में हम स्टडी करते हैं और ब्रांच रिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम बात करते हैं जिसके अंदर एक कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं, मीथेन। क्या कहते हैं, मीथेन। एन क्यों लगाया है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है उसमें हम एन लगाते हैं, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथेन। और जिसमें दो कार्बन होते हैं उसको हम कहते हैं इथेन। जिसमें तीन कार्बन होते हैं उसको कहते हैं प्रोपेन। जिसमें चार कार्बन होते हैं उसको कहते हैं ब्यूटेन। जिसमें हमारे पास पांच कार्बन होते हैं उसको पेंटेन कहते हैं। जिसमें छह कार्बन होते हैं उसको हम हेक्सेन कहते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या है, CH4C2H6 को क्या कहते हैं, इथेन। C3H8 को प्रोपेन। C4H10 को ब्यूटेन। C5H12 को पेंटेन। C6H12 को क्या कहते हैं, हम हेक्सेन। उसके बाद में हम कहते हैं हेलो अल्केन की बात करते हैं, कुछ कार्बन कंपाउंड्स हेलो अल्केन। तो सबसे पहले आप इसके अंदर देख रहे हो तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोपेन। एन क्यों लगाया, आपको पता है सिंगल बॉन्ड के लिए हमने एन लगाया है, और तीन कार्बन है तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं प्रोपेन। ठीक है, और पीछे क्या लगा होता है, क्लोरो। तो फर्स्ट जो पीछे वर्ड लगा होता है उसको नाम देंगे क्लोरो प्रोपेन। जैसे इसके अंदर तीन कार्बन है तो प्रोपेन, और आगे क्या लगा हुआ है, ब्रोमिन, तो ब्रोमो प्रोपेन। अगला हमारे पास आता है अल्कोहल। अल्कोहल का सिंबल क्या होता है, ओ एच। आपको पता है कार्बन तो तीन है, तो तीन के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोप, और इसके लिए अल्कोहल। ओल के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्रेफिक्स क्या यूज़ करते हैं, ओल। तो जो ओ एच है वो क्या होता है हमारे पास, अल्कोहल। अल्कोहल तो लिख नहीं सकते, प्रोपो अल्कोहल, तो इसलिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं तो अल्कोहल का सिंबल ओ एच होता है, तो पीछे वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, ओ एल। ठीक है, उसके बाद में हमारे अगला पास दिख रहा है आपको, कार्बन तो थ्री है, ठीक है, पर यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सी एच। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सी एच। जहाँ पे आपको सी एच ओ दिख जाए तो ये फॉर्मूला किसका होता है, एल्डिहाइड का। तो इसके पीछे प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, ए एल, तो प्रोपेनल। उसके बाद में हमारे पास आता है कीटोन। कीटोन का मतलब, कीटोन एक तो हमेशा क्या होता है, बीच में पाया जाता है, बिटवीन होता है। कीटोन का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ। जहाँ पे आपको सी डबल बॉन्ड ओ दिख जाए तो आप उसके बीच आप पता लगा लोगे कि ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। तो इसके पीछे में जो प्रीफिक्स लगाते हैं उसको कहते हैं ओन, प्रोपेनोन। उसके बाद में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक के पीछे लगाते हैं ओइक। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था ओ एच अल्कोहल है तो लगा देंगे ओल, और सी एच होता है एल्डिहाइड तो ए एल, और सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है तो ओन लगाते हैं पीछे प्रीफिक्स, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, सी ओ ओ एच। तो इसलिए क्या है, इसका प्रीफिक्स ओइक एसिड। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, प्रोपोनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हम क्या है, ऊपर हम एन लगा रहे थे, एन क्यों लगा रहे थे, सिंगल बॉन्ड थे। अब हमारे पास इन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तब हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, वाई एन ई। थैंक्स।